हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा मैरिड स्टिच स्विंग मशीन है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं स्विंग मशीन के बारे में। एक्चुअली स्टिचिंग शुरू करने से पहले क्या सीखना और जानना बहुत ज़रूरी होता है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। बस इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करें। सो फर्स्ट, मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को जानना ज़रूरी होता है। चलिए जानते हैं। सो फर्स्ट बैलेंस व्हील से शुरू करते हैं। ये हमारा बैलेंस व्हील है। इसको घुमाने से सामने का जो निरिल है वो ऊपर नीचे होता है। उसके बाद ये हमारा स्टिच रेगुलेटर है। उसके मदद से सिलाई का जो साइज है उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ये हमारा रिवर्स स्टिच रेगुलेटर है। सिलाई में जो टाँके डालना होता है वो हम इस रिवर्स स्टिच रेगुलेटर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पूल पिन है, इसमें धागे को रखना होता है। उसके बाद ये हमारा थ्रेड गाइड है। और उसके बाद आता है टेंशन स्प्रिंग। इसे टेंशन स्प्रिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्प्रिंग को ज़्यादा टाइट करने से निडिल से धागा बार बार टूटता है। स्प्रिंग को लूज करने से सिलाई में एक्स्ट्रा धागा निकलता है। टेंशन स्प्रिंग के बाद आता है थ्रेड टेकअप लीवर। उसके बाद आता है थ्रेड रेगुलेटर। एंड उसके बाद आता है प्रेशर बर लिफ्टर। इस प्रेशर बर लिफ्टर के मदद से प्रेशर फुट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा निडिल है और ये प्रेशर फुट है और ये निडिल बार है और इसे कहते हैं स्लाइड प्लेट। सो नेक्स्ट सीखते हैं बॉबिन कैसे भरें। उसके लिए पहले स्लाइड प्लेट को खोलना होगा एंड फिर बॉबिन केस को मशीन से निकालना होगा इस तरह से। उसके बाद बॉबिन को बॉबिन केस से निकालना होगा। उसके बाद स्पूल पिन में धागे को रखना है, फिर बॉबिन में थोड़ा सा धागा अपने हाथ से राउंड राउंड करके भर लेना है इस तरह से। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से बैलेंस व्हील से बॉबिन में धागा भरना सिखाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही कीजिए। इस तरह से एक हाथ में धागे को पकड़ना है और दूसरे हाथ में बॉबिन में धागे को भरना है। उसके बाद एक हाथ में बॉबिन और दूसरे हाथ में बॉबिन केस। बॉबिन केस में बॉबिन को इस तरह से रखना है और फिर इस धागे को बाहर की तरफ खींचना है इस तरह से। इस तरह से धागे को खींचने से अगर बॉबिन घूमता है तो समझना होगा कि बॉबिन केस में बॉबिन को लगाना सही है। उसके बाद बॉबिन केस को लेना है एंड फिर स्लाइड प्लेट को खोलना है और बॉबिन केस को मशीन में इस तरह से अटैच करना है और फिर लास्ट स्लाइड प्लेट को बंद कर लेना है। नेक्स्ट मशीन में धागा कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। उसके लिए पहले हमें स्पूल पिन में धागे को इस तरह से रखना है, फिर हमें थ्रेड गाइड की मदद से राइट से लेफ्ट की तरफ धागे को निकालना है, फिर टेंशन स्प्रिंग में जाके इस तरह से धागे को लगाना है। उसके बाद इस तरह से टेकअप लीवर में आना है
और राइट से लेफ्ट में धागे को निकालना है। उसके बाद थ्रेड रेगुलेटर की मदद से धागे को निकाल लेना है और फिर इस तरह से निडल में लेफ्ट से राइट में धागे को बाहर की तरफ खींचना है। इस तरह से एक हाथ से निडल की धागे को खींच के रखना है और दूसरी हाथ से बैलेंस व्हील को घुमाना है, फिर बॉबिन के धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा। मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर की धागा लिया हुआ है, इसके लिए आपको समझने में आसानी होगी। फिर उस धागे को निकाल के रखना है और इसके बाद फैब्रिक कैसे लेना है और उसके ऊपर कैसे स्टिचिंग करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए पहले इस तरह से प्रेशर फुट को उठा के रखना है, उसके बाद फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे रखना है, उसके बाद फिर से प्रेशर फुट को प्रेशर लिफ्टर की मदद से रख देना है, उसके बाद बैलेंस व्हील को घुमाना है और पैरों की मदद से मशीन को स्टार्ट करना शुरू करना है और फिर सिलाई होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।